बहन मायावती के प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या है राज? नीतीश कुमार की बैठक को लेकर बहन मायावती ने तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कल जो होने वाली बैठक है, नीतीश कुमार की जो बैठक हो रही है विपक्षी एकता की, उसको लेकर बहन मायावती ने चुप्पी तोड़ दी है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने रणनीति के तहत बहन मायावती जी ने यह ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर और विपक्षी एकता पर हमला कर दिया है। बहन कुमारी मायावती लगातार जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स का आखिर क्या राज है, क्यों बहन मायावती प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं, और काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है विपक्षी एकता की, उसको लेकर बहन मायावती जी का क्या रुख रहेगा, गठबंधन को लेकर क्या रुख रहेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहन मायावती का किस प्रकार का रुख रहेगा, तमाम चीज़ों को लेकर बहन मायावती ने जो है अब तक चुप्पी रखी थी, चुप्पी साधे हुए थी। लेकिन आज की तारीख में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से विपक्षी एकता पर भी हमला कर दिया है। कहा है कि जिस प्रकार से विपक्षी एकता दिख रही है और विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है उसी के पहले जिस प्रकार से चर्चाएं सामने आ रही है, ममता बनर्जी की चर्चा अलग से सामने आ रही है, अखिलेश यादव को भी दिक्कत है इस विपक्षी एकता में, इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी दिक्कत है, और ऐसे में बहन मायावती जी अब तक जो नहीं बोल रही थी तो बहन मायावती जी ने भी इस विपक्षी एकता को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, इस प्रकार की कहावत जो है, इस कहावत से बहन कुमारी मायावती ने इस बैठक का जो है वो तुलना की है, इस बैठक की तुलना की है। बहन मायावती जी के पूरे ट्वीट को एक के बाद एक पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस ट्वीट के क्या मायने हैं। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किए हैं वो 4 ट्वीट किए हैं, उसमें पहला जो ट्वीट है वो पहला ट्वीट सामान्य लोगों के लिए है, सामान्य लोगों की जो दिक्कतें हैं उनके लिए है। इसके साथ साथ बहन मायावती जी ने इन त्रस्त हालातों को लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी का जिक्र किया है और कहा है कि संविधान सही से लागू करने की क्षमता किसी के पास नहीं है, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास है। बहन मायावती जी क्या लिखती हैं, वे लिखती हैं कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा व आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस में और बीजेपी जैसे पार्टियों में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने ये कहा है कि देश के अंदर जो हालात हैं, महंगाई से जो लोग परेशान हैं, गरीबी से जो लोग परेशान हैं, बेरोजगारी का आलम देखिए तो तमाम देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पिछड़ापन समाज के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि समाज की मतलब बहुजन समाज की जो है सामाजिक और आर्थिक दशा में बदलाव नहीं हो रहा है, अशिक्षा जो है वो एक बड़ी समस्या है देश के अंदर दिख रही है, जातीय द्वेष है, लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं जातीय घृणा और जातीय द्वेष के कारण, साथ ही धार्मिक उन्माद है, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता का माहौल है, हिंसा का माहौल है। ऐसे में बहुजन समाज जो है वो ये सारी समस्याओं से ग्रस्त है। बहन मायावती जी का यह कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनका जो संविधान है उसे अगर समतामूलक संविधान को सही से लागू किया जाता तो इतनी दिक्कतें ना होती, लेकिन ये सही से लागू नहीं किए जाने की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें हैं। और अभी भी उनका यह कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों पार्टियों में इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, मानवतावादी संविधान, समता मूलक संविधान, इसे सही से लागू करने की क्षमता नहीं है। बहन मायावती जी ने अपने पहले ट्वीट में कांग्रेस बीजेपी दोनों पर वार कर दिया है, साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता की वजह से इस अराजकता की जो वजह है वो कांग्रेस बीजेपी है। वही साथ ही बहन मायावती जी ने अपने अगले ट्वीट में ये कहा है कि बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही है, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून को विपक्ष की पार्टियों की पटना में बैठक, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, इस कहावत को ज़्यादा चरितार्थ करता है।
बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, आलम ऐसा है देश का, वही दूसरी तरफ जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा आम चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को लेकर मुद्दों को मिलकर उठा रही है, तो बहन जी का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई है पटना के अंदर, वो ऐसी बैठक है कि उसमें दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, उसमें जिन मुद्दों को लेकर वो बात होनी चाहिए, जिस विचारधारा के साथ तमाम विपक्षी जो एकता वो एक साथ आनी चाहिए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो सिर्फ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, दिल मिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये इशारा जो है, इन्होंने कल जो बैठक की उसमें भी उन्होंने एक इशारा किया था। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से मेरी भाजपा के नीतियों पर कार्यकलापों पर मेरी नज़र है, केंद्र सरकार के कार्यकलापों पर मेरी नज़र है, प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के सरकार पर जिस प्रकार से मेरी नज़र है, उसी प्रकार से विपक्ष पर भी मेरी कड़ी नज़र है, पैनी नज़र है। विपक्ष किस प्रकार के मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष किस प्रकार से हरकत कर रहा है, किस प्रकार की हलचल कर रहा है, उस पर भी मेरी नज़र है। बहन कुमारी मायावती जी ने इस ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार की इस बैठक को भी निशाना साधा है, इस बैठक पर भी निशाना साधा है, और ये कहा है कि ये बैठक ऐसी है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। आखिर इस बैठक का क्या मायने हो सकते हैं, कितनी ये बैठक सफल हो भी पाएगी या नहीं पाएगी, ये तो अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं, ममता बनर्जी को दिक्कत है, कांग्रेस से ममता बनर्जी के बाद अरविंद केजरीवाल को भी दिक्कत है कांग्रेस से, वहीं इसी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी कांग्रेस से दिक्कत है, और ऐसे में जयंत चौधरी का ये कहना है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। तो वही है तेजस्वी यादव, इन्होंने सबको बड़ा दिल दिखाने की बात कही। तो जिस प्रकार से विवाद अब सामने आ रहा है विपक्षी एकता का, जिसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं हो रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी को इस विपक्षी एकता में न्योता नहीं दिया गया, बहुजन समाज पार्टी को बुलाया नहीं गया। आशंका ये जताई जा रही थी राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कुछ पहल हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी इस विपक्षी एकता को लेकर कोई सकारात्मक जो है कदम उठा लेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने पार्टी के संगठन में ही काम लगातार करती हुई नजर आ रही है, पार्टी संगठन को लेकर ही गंभीर नजर आ रही है। इसी के साथ साथ देश की राजनीति, देश की रणनीति और देश के हालात को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी बात करते हुए नजर आ रही है। बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर इन तमाम मामलों को लेकर अपनी आवाज उठाते रही हैं, लेकिन इस विपक्षी एकता को लेकर फिर बहन मायावती जी का जो बयान आया है, उस बयान के को ध्यान में रखते हुए बहन मायावती जी जो है वो जो पॉलिटिक्स कर रही है, वो प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रही है, वो दबाव क्या वो दबाव बनाना चाहती है विपक्ष पर, या किस प्रकार से वो चाहती है कि विपक्षी एकता में उन्हें शामिल होना है, लेकिन वो अपने शर्तों के साथ शामिल होना चाहती है। आखिर क्या क्या मायने हो सकते हैं, इस ट्वीट के क्या संभावना हो सकती, तमाम चीज़ों को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि आपको बहन कुमारी मायावती जी का जो अगला ट्वीट है, इसी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अगले ट्वीट में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की नज़र से अपने गिरेबान में झांक कर अपनी नीयत को थोड़ा पाक और साफ कर लेती थी तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी जो है वो घेरे में ले लिया है, उन पर भी निशाना साधा है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि ये तमाम जो लोग हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और विपक्षी एकता की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से बहन मायावती जी कह रही हैं कि पहले जनता में अपने प्रति विश्वास जगा लीजिए, अगर ऐसा प्रयास कर लेते तो आपको समझ में आता कि आपकी हालत क्या है। बहन मायावती जी ने कहा, जरा अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए, अपनी नीयत को चेक कर लीजिए कि आपकी नीयत पाक और साफ है या नहीं है। अगर आप ये समझ लेते कि आपकी नीयत पाक है साफ है,
तब जाकर कुछ होता, बेहतर होता। बहन मायावती जी ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। बता दें कि बहन मायावती जी का तमाम उन पार्टियों की तरफ यह इशारा है। बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तहत अपने संगठन को लेकर काम कर रही हैं, और जहां जहां पर भी प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को जिन पार्टियों से लड़ना पड़ता है, तो वो सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं होती, सत्ता पक्ष नहीं है, बल्कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो तत्वों के आधार पर राजनीतिक जो विरोध करते हैं उनकी तरफ भी बहन मायावती जी का इशारा है। अगर बात करें पंजाब की, तो बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का जो विरोधी पक्ष रहा, वहाँ पर बीजेपी नहीं है, बल्कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी है और दूसरी कांग्रेस है। बहुजन समाज पार्टी को अगर खिलाफत करनी है तो बहुजन समाज पार्टी की अगर खिलाफत करनी है तो आम आदमी पार्टी बीएसपी के खिलाफ रहती है, कांग्रेस भी बीएसपी के खिलाफ रहती है। अगर हम बात करते पश्चिम बंगाल की, वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी को ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के साथ भी लड़ना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी को आरजेडी जेडीयू दोनों पार्टियों के साथ लड़ना पड़ता है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका यहाँ कहना है कि तत्वों के आधार पर एक बार आप अपनी नीयत को साफ कर लेते, एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते तो समझ आता मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगा। दलित उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस राजस्थान में चुप है, आदिवासी उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में चुप है, दलित उत्पीड़न को लेकर जो है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी चुप है, दलित उत्पीड़न को लेकर सारे के सारे कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं अपने आप को विपक्षी एकता में देखती हैं, वो तमाम सारी पार्टियां चुप है। देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल है, हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी बेखौफ काम कर रही है, कोई भी विपक्षी पार्टियां इस पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिमों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी विपक्षी पार्टी मुस्लिमों के समर्थन में नहीं आ रही है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने भी मुस्लिम शब्द से परहेज कर लिया है और अब वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो माहौल अराजकता का है, असंतोष का माहौल है, ऐसे में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्हें चिंता किस बात की है? तो इन्हें एससी एसटी ओबीसी की चिंता नहीं है, मुस्लिम और माइनॉरिटीज की चिंता नहीं है, बल्कि इन्हें चिंता है अपने सियासत की, अपनी कुर्सी की चिंता, और इसीलिए विपक्षी एकता जो है वो दिखावे के तौर पर एकत्रित आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ने कहा है कि देश विकास के लिए ये जो सारे मुद्दे हैं, जिसमें कि जातीय द्वेष है, महंगाई है, गरीबी है, अशिक्षा, इससे देश की प्रगति में ये बैरियर्स है, ये खतरनाक है। तो इस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी को जो चिंता है वो देश के विकास की चिंता है, देश के रिप्रेजेंटेशन की चिंता है, देश के अंदर जो लोग रहते हैं दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन की चिंता है, विपक्षी एकता को कुर्सी की चिंता है। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि ये तमाम पार्टियां मुंह में राम बगल में छुरी लेकर काम कर रही है, ये ऐसा कब तक चलेगा, ये नहीं चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आखिरी ट्वीट में कहा है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वे यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित है। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या वाकई पूरी बदलाव ला पाए? बहन कुमारी मायावती जी ने विपक्षी दलों के लिए एक सवाल भी छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें आती हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में आती है, और ऐसे में इन विपक्षी पार्टियों का ऐसा रवैया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है वो इग्नोर कर दिया है। उत्तर प्रदेश को इग्नोर का मतलब यह है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत रखती है, बहुजन समाज पार्टी के अपने 10 सांसद हैं, 5 सांसद वाली समाजवादी पार्टी को न्योता मिलता है, लेकिन 10 सांसद वाली बहुजन समाज पार्टी को न्योता नहीं मिलता।
तो ऐसे में बहन मायावती जी का यहाँ कहना है कि बीएसपी वो पार्टी है जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर चार बार सरकार बनाई है, चार बार सत्ता में आई है, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन दिया है, कानून व्यवस्था बेहतर दी है, उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी को इस विपक्षी में शामिल नहीं किया गया। बहन मायावती जी का कहना है कि इनके रवैये से ऐसा नहीं लगता कि ये अपने उद्देश्य के प्रति, मतलब मोदी को हराने के प्रति या फिर बीजेपी को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए ये लोग सही मायने में गंभीर नहीं आ रहे। बहन मायावती जी ने कहा कि वो उन्हें चिंता नहीं है कि कैसे बीजेपी को रोका जाए, उन्हें चिंता नहीं है कि कैसे यहाँ पर सांप्रदायिक ताकतों को रोका जाए। बहन जी ने कहा है कि ये अब इनके रवैये से ही नहीं लगता है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा की चुनाव की तैयारी करना क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। बहन मायावती जी ने कहा कोई भी होमवर्क इन पार्टियों ने नहीं किया है और इनकी प्रायोरिटीज भी डिसाइड नहीं है। इन्होंने किस तीन चीज़ों को प्राथमिकता देना चाहिए, इन विपक्षी पार्टियों ने उन सारी चीज़ों को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो ऐसे में बहन मायावती जी ने एक सवाल छोड़ा है, क्या जरूरी बदलाव इस प्रकार से बिना किसी प्रायोरिटीज़ के, बिना किसी होमवर्क के, बिना किसी तैयारी के क्या लोकसभा चुनाव को फेस करना संभव है, या फिर बिना किसी सीरियसनेस के, गंभीरता के और बिना किसी चिंता के इस प्रकार से अगर लोकसभा के चुनाव को फेस करना संभव है या नहीं है, ये सवाल उन्होंने कहा है। और कहा कि कितना बदलाव ये जो विपक्षी दल है, कितना बदलाव विपक्षी एकता ले आएगी या फिर कर पाएगी, ऐसा बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है जो कि ट्रांसफरेबल है। पूरे देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों के अगर आप देखें तो उसका वोट बैंक ट्रांसफरेबल नहीं होता। कई बार यह देखा गया है कि जहां जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, बहुजन समाज पार्टी ने जिन्हें कहा है, बहुजन समाज पार्टी की नेता ने जिन्हें कहा है, वोट वहां ट्रांसफर हुआ है, लेकिन दूसरी पार्टियों की तरफ से कभी भी वोट ट्रांसफर नहीं होता। वोट ट्रांसफर के समय या तो जो वोट है वो कहीं और ट्रांसफर होता है लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नहीं होता। तो यह एक बड़ी बात है बहुजन समाज पार्टी के पास, यह एक प्लस पॉइंट है कि उनका वोट ट्रांसफरेबल है। दूसरी यह बात है कि बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन पर भरोसा रखती है, संगठन को मजबूत करने में बहुजन समाज पार्टी भरोसा रखती है और इसीलिए यह एक प्लस पॉइंट बहुजन समाज पार्टी का है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की चार चार बार सत्ता सरकार में रहती है, अलग अलग राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के पास विधायक है, मध्य प्रदेश में विधायक है, राजस्थान में विधायक रहे हैं, पंजाब में विधायक है और इस प्रकार से बहुजन समाज छत्तीसगढ़ में विधायक है, साउथ में भी बहुजन समाज पार्टी का संगठन है और विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में बीएसपी को नज़रअंदाज करना, ये जो विपक्षी एकता है ये दिखावा कर रही है कि विपक्षी एकता का सही मायने में विपक्षी एकता जो है जातिवादी और संकीर्ण सोच को लेकर यह विपक्षी बैठक कर रही हैं, इस प्रकार का इशारा कहीं बहन कुमारी मायावती जी का हो सकता है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका ये जो दबाव बनाने की जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति इसीलिए हो रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को या तो विपक्षी दल कुछ नहीं मानते हैं या फिर विपक्षी दल अपने आप में बहुजन समाज पार्टी को ही सबसे बड़ा विकल्प मानते हैं, या फिर विपक्षी दलों को यह पता है कि सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती ही मोदी को रोक सकती है। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।